जैन साथियों, आप में से बहुत से अभ्यर्थियों का डेली कमेंट आ रहा था कि मेरे मॉक में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मैसेज आ रहा था काफ़ी साथियों का, मेरे मॉक में नंबर नहीं, मैं डीमोटिवेट हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे। तो इन चीज़ों का सलूशन मेरे पास है, बस आप सीरियस होकर वीडियो को देखिएगा अंत तक। आपके मॉक में 20 से 30 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर बढ़ाने की गारंटी मैं स्वयं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे कई साथी हैं जो डेली वीडियो मेरी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर अगर आप करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ अच्छा और बेस्ट करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मॉक में नंबर ना बढ़ने के दो सबसे बड़े रीज़न है, क्योंकि कई साथियों के क्या है, अभी तक सिलेबस नहीं कम्प्लीट है, वो मॉक दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, आपने मॉक दे दिया है और आप क्या है, रिविज़न नहीं किए। क्या होता है कि जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट करने में आपको काफ़ी समय लगता है, उसके बाद आपको एक फास्टली रिवीजन करना पड़ता है, तब उसके बाद आप मॉक लगाइए। ऐसा नहीं कि मॉक अगर ना लगाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत से मेरे साथी बिना मॉक लगाए ही साथ सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ के कई साथी, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन आप मॉक दे रहे हैं, आपके सिलेबस भी कम्प्लीट है लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आपने 500 मॉक दे दिए, तो उस चीज़ का सलूशन मेरे पास है। तो क्या करना है, आप जैसे आपने कोई भी मॉक दिया हो, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन, सपोज़ करिए आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ से मॉक दिया है, आपके 160 में से 105 प्रश्न सही हुए और आपके जो गलत हुए हैं जिस हिसाब से आपने अटैम्प्ट किए और कितने आपने छोड़े, मैं आपके यहाँ से बात कर रहा हूँ आपके 210 नंबर करीब बने। अब आपको 230 का टारगेट लेकर आपको 20 नंबर कैसे बढ़ाना है, देखो सबसे पहले क्या करना है। सपोज़ करिए आपने हिंदी के आपके 37 प्रश्न आते हैं और लगभग आपके 28 प्रश्न सही हुए, तो आपके 7 कहाँ से गलत हुए। तो उसके लिए आपको एक नोटबुक ले लेना जो कि आपके केवल मॉक के लिए ही रहेगी, उस पर नोट करें कि 7 प्रश्न किस टॉपिक से मेरे गलत हुए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं मैथ में। मैथ में आपके मान लीजिए सपोज़ करिए 13 क्वेश्चन सही हुए 19 में, तो आपके 6 क्वेश्चन कहाँ से गलत हुए उसको नोट डाउन करें, ठीक है। नोट कर लिए आपने 6 आपके मैथ में कहाँ से गलत, बाकायदा आपको नोट। यही हाल रीजनिंग में आपके 42 प्रश्न सही हुए, अब बाकी 13 आपके कहाँ से गलत हुए उसको नोट करिए। अब आते हैं जीएस में, क्योंकि जीएस में कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे एक क्वेश्चन आपका आना तय होता है, तो जीएस की कोई टेंशन लीजिए, मैं आप बैठा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया, अब आपको कुछ दिनों फिर वीडियो आ जाएगी। कुछ ऐसे जीएस में टॉपिक बनाऊंगा जिसके आपके 20 से 25 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, बस आपको उन्हीं टॉपिक को इम्पोर्टेंट पढ़ना है, ठीक है, जीएस के आप टेंशन नहीं। अब आते हैं, जैसे आपने दे दिया टेस्ट, अब उसको क्या करना है, एक हफ्ते जो आपके पास समय है मॉक देने के बाद, एक हफ्ते बाद ही मॉक देना है आपको, आपने उन गलतियों को आपने नोट किया था उनको आपको पढ़ना है, उन चैप्टरों को अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। आपने उन चैप्टरों को अच्छे से रिवीजन करेंगे जिन जिन टॉपिक में आपकी गलतियाँ होती हैं। अब यही हाल आप मैथ में करिएगा, मैथ में भी आपको जो जो आपकी कमियाँ, कौन से फॉर्मूले आपको नहीं आते, किस वजह से आपके गलत हुए, और रीजनिंग में यही चीज़ें करना है। रीजनिंग के क्या है कि आप जितना बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं आपके रीजनिंग उतना बेस्ट होती है। तो ये आपका तरीका था रीजनिंग और मैथ का करने का। जब आप एक हफ्ते इन चीज़ों को करते हैं, जब दूसरे हफ्ते आप बैठते हैं, यकीन मानिए आपके 105 प्रश्न से बढ़ के ये आंकड़ा 110 तक हो जाएगा। कभी आपका आंकड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि कभी क्या होता है प्रश्नों का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी क्या होता है कि आपके कुछ प्रश्न आते हुए गलत हो जाते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस जो आपका हाई होता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके गलत है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना, जो आपके आते हुए प्रश्न हैं उनको गलत नहीं करना। तो ये तरीका था आपका मॉक लगाने का। अब आप इसी तरह से सभी मॉक टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा एक महीने के बाद आपका परिणाम कुछ अलग ही होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। एग्ज़ाम आपका जून के एंड में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, कभी भी हो, लेकिन आपको क्या है मेंटली रूप से प्रिपेयर होकर रहना है कि आपके एग्ज़ाम कब है, लास्ट जून, क्योंकि जितना आप टारगेट लेके चलेंगे उतने टारगेट तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जितना अच्छा स्कोर गेन करते हैं आपको उतना अच्छा ही फायदा होगा। अब सपोज़ करिए आपके मान लीजिए 225 नंबर आए, ठीक है, आपके मेरिट 215 गई, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे मान लीजिए अगर आप 240 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको एक बेनिफिट क्या रहता है ना, इस बार जो है ट्रेनिंग क्या है कि आपके कम से कम दो बैच में होंगी, ट्रेन में भी हो सकती, लेकिन मैं दो मान के चल रहा हूँ। सपोज़ करिए अगर आपका सेकेंड बैच में आता है नंबर, तो आप क्या करेंगे,
आप कम से कम 8 महीने आपको वेट करना पड़ेगा और आप जूनियर होंगे काफ़ी साथियों से, आपको करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान भी, क्योंकि 6 महीने आपकी जो सैलरी होगी तो और इंक्रीमेंट में भी आपका काफ़ी नुकसान होगा जो आपके होंगे, और प्रमोशन भी होगा जो पहले बैच में जाएगा उसका पहले होगा, जो सेकंड बैच में होगा उसका बाद में, तो ये चीज़ें होती हैं। ये आपके लिए मोटिवेशन था, मैंने बताया है कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और ये जो आपका ट्रेनिंग होता है आपके हर कैटेगरी वाइज उठाया, ऐसा नहीं है कि जो टॉप होते हैं उन्हीं को, हर कैटेगरी से जो टॉप टॉप होते लड़के उन्हीं को उठाया जाता है, आपके जैसे 2 बैच में ट्रेनिंग करना है तो आधे आधे में बांट लिया जाता है, ये होता है आपका ट्रेनिंग कराने का फैसला। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर कुछ चीज़ें आपके डाउट में रह गई तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा, और कुछ दिनों में आपके मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली है।